हल्का हल्का फील हो रहा है, थोड़ी एक दो प्लेटें और खा लूं। दंतुरित बतासे वाली सारे भाई बहन मिलके मौज काट रहे, और क्या चाहिए। दंतुरित बतासे ये आ गया मेरा गर्मा गर्म भटौरा। हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। तो न्यू ब्लॉग की शुरुआत हुई है आज। आज है 10 जनवरी और आज है मेरा हैप्पी बर्थडे। तो यार, व्लॉग इस हालत में स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि सुबह से सब काम वाम में लगे हुए थे, तबीयत भी ठीक नहीं थी और आज छुट्टी ली थी, तो कल पूरा दिन काम वाम था, उससे पहले एग्ज़ाम था। तो अभी सारा काम हो गया है और अभी अपना कोई अननोन पार्सल आने वाला है, क्या है क्या नहीं आई डोंट नो, बट एकदम से पता चला। मैंने कहा यार इस चीज़ को रिकॉर्ड करना बनता है, बिकॉज दिस इज़ वेरी क्यूट। एंड बिफोर दैट लेट मी टेक यू मीट माई बेबीज हु आर सिटिंग हियर। डगी टू बूजी बू। और ले बेटा बाहर नहीं जाना है, ये दोनों बाहर जाना चाहते हैं। ये मैंने पूरा घर अभी सही किया है, किचन पूरा घर अभी सब। ये तो ऐसे ही यार, इसको तो इग्नोर करो। ये यहाँ पर बस बेड वाला एरिया देखो, सब सही कर दिया है। और ये मेरे बच्चे, एक ये एक अंदर गया। मौसम काफ़ी अच्छा है, पहले बहुत ठंडा था, अभी थोड़ी धूप निकल आई है। ये यहाँ पर पे वो सब्जी अभी बस आएगी, अब बस आ रही है। गए वो लोग इसीलिए गए। गुलाब जामुन का सीमा पाउडर का बनाने क्या? हाँ सीमा पाउडर का। हाँ दे दो ना वो चीज़ सब आ ना। हाँ बिल्कुल, ये पूरा यहाँ पर तैयारी चल रही है। अभी सामान लाने में हम लोग को थोड़ा सा लेट हो गया, थोड़ा लेट हो गया जिसकी वजह से हम लोग तय गए। दे रहे भैया। तो अभी आपसे एक मिनट बाद में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? एक सेकेंड। तो गाइज, बर्थडे भी शुरू हुआ है और प्रेजेंट्स भी आना स्टार्ट हो गए, और मैं आपको दिखाती हूँ। है प्यारा सा फ्लावर, आई लव दिस सीरियसली, ये बहुत बहुत प्रिटी है, बहुत ज़्यादा। ये मेरा केक है एंड दिस इज़ अ क्यूट टेडी बेयर। और यार केक को थोड़ा सा यहाँ से आपको दिखा। ओ माई गॉड, हैप्पी बर्थडे सिस। और यार थैंक यू अब्दुल, थैंक यू सो मच। तो गाइज, ये है मेरा ऑफिस कलीग है, मेरा ऑफिस फ्रेंड है, बहुत अच्छा, बहुत 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 खास फ्रेंड है अब्दुल। तो ये उसने भेजा है और थैंक यू सो मच। ये अनएक्सपेक्टेड था और ये दिस वॉज अ बिग सरप्राइज, मतलब बिल्कुल मुझे, क्योंकि ही इज़ सिटिंग फार देयर, मतलब वो डेली से उसने मुझे यहाँ पर ये सब चीज़ें। थैंक यू सो मच भाई, थैंक यू सो मच, दिस मीन्स अ लॉट। तो ये मैंने फूल तोड़ लिए पूजा के लिए, क्योंकि यार थोड़ा लेट हो गया आज पूजा करने में, क्योंकि जैसे तो सुबह हस्बैंड जाते थे तो पूजा वूजा करके अपना क्या बोलते हैं दिया वगैरह जला कर जाते थे, बट अभी क्या है आज क्या है, दोनों लोग सुबह से लगे हुए थे काम पे, तो अभी पूजा कर लेते हैं। फूल इतने ज़रा से इसलिए हैं क्योंकि यार टेंट लग गया है ना, तो सारा कवर हो गया है, तो गमले तक हम पहुंच नहीं पा रहे हैं, बस इस वजह से। ये सब क्या है? हाँ लाइट, तो ये बात है। तो फटाफट से अभी पूजा कर लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद जो है आप सबसे मिलते हैं और बताते हैं आगे का क्या है अपना, ठीक है? पहले भगवान जी से, हेलो भगवान जी। हाँ इसके बाद मिलते हैं। तो गाइस ये हो गई मेरी पूजा, मैंने टीका पानी सब कर लिया, ये बूजो वेट कर रहा है, शायद कोई आया हुआ है, तो चलिए चलते हैं और चल के देखते हैं। बूजो कौन आया? अभी ऊपर चूल्हे की भी पूजा करनी है। तो ये सामान आ गया है, ये पानी, पानी ये वाला ले आया, आप तो कह रहे थे वो लाएंगे। पानी रखा था गाड़ी में, कहाँ गए अंकल, गुस्सा कर रहे थे जो लगा कि पूजा यहीं पे कर दे। हवा बहुत चल रही है, मम्मी कितने देर में कितना चौमिन वाली प्लेट लानी है ना, और केक वाली। हाँ, केक के लिए। अरे भाई मेरे बर्थडे के दिन ये सब क्यों होता है? धूप निकली इतनी अच्छी, वो तो ठीक है, रहने दे यार, अरे हाथ जल जा रहा है, छोड़ दो, चलो जल गया, इसीलिए तो हमारी पूजा। तो ऐसे कि अभी हम पानी पी रहे हैं, ठीक है? बूजो सामने है,
बुजो क्या अलग ग्लास चाहिए क्या तुम्हें? अब इसको है कैसे आप देखिएगा ठीक है। बुजो दिखाओ, बुजो मुंह दिखाओ, बुजो मुंह दिखाओ। बुजो ये क्यों करते हो भाई तुम, है तुरंत ये काम क्यों करते हो तुम? इधर दिखाओ, मुंह तो दिखाओ अच्छा अपना। बुजो 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 पागल कहीं के पागल लड़के पागल। इधर दिखाओ इधर दिखाओ इधर बुजो इधर दिखाओ। पगले पगले गाइस मम्मी आ गई। हेलो ये बुजो भी दीदी कहाँ है? ये देखिए यहाँ पे डुग्गू कैसे पगलाया जा रहा है। ये देखिए गाइस। इतने दिन से इतनी ठंडी थी गाइस है और आज देखिए कितनी अच्छी धूप आ गई। ये कहाँ गई धूप भाई? ये रही धूप। ये धूप आ रखी है। तो मेरे बर्थडे में कौन आए हैं? दीपिका हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। मुझे जी ने बोला मेरा है। क्या है? पहले ही खोल देंगे। अनबॉक्सिंग के टाइम खोलना था। अनबॉक्सिंग के टाइम खोलना है अभी नहीं ले सकते। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बचा हुआ सामान लेने, जैसे कि थोड़ी वेजिटेबल्स हैं नूडल्स बनने के लिए वो, और मेन्यू क्या है ये भी हम आप लोगों से डिसाइड करेंगे शाम की पार्टी का, और क्या क्या तैयारी हो चुकी है क्या हो रही है वो भी बताएंगे। तो अभी हम लोग वेजीज लेने और थोड़ा सा स्नैक्स लेने के लिए जा रहे हैं। ये तो बस ये ले आते हैं उसके बाद मतलब अभी जा रहे हैं लेंगे तो फिर आप लोगों को दिखाएँगे ज़रूर से। तो चलिए चलते हैं शॉप आ गए केक वाला, बिस्किट्स खरीदते हैं अभी लेते हैं फिर आप लोग को बताते। अरे वाह क्या ज़बरदस्त सा केक है यहाँ पे। खैर अपना फोकस बिस्किट पे होना चाहिए। ये हमारा सामान है नमकीन बिस्किट, 90s की थीम का बर्थडे होने वाला है ये घर के लिए है, और अभी हमें भूख लगी है तो हम यहाँ से भी खरीद रहे हैं अपने लिए पैकेट्स। गरम गरम पीछे क्या चल रहा है भाई? बेइज्जती करा दी इसने, कुछ बोलो कहे करो एकदम है ना। दूसरा स्टॉप यहाँ से हमने लेना है डिस्पोजल प्लेट्स एंड ग्लासेस। लेट्स गो। मैं यहाँ पे सामान वामान पैक हो रहा है, क्या क्या चाहिए हमें डिस्पोजल वगैरह। तो यार बीच में शूट नहीं कर पा रहे क्योंकि थोड़ा ऑफिस का कुछ पेंडिंग काम था वो करने लग गए थे, क्योंकि छुट्टी है ना तो थोड़ा पेंडिंग काम था तो फोन आ रहा है। तो अभी ये जा रहे हैं बुजो के संग। बुजो का है बुजो के संग बुजो ये रहा बुजो। तो बुजो के संग जा रहे हैं कोल खरीदने के लिए क्योंकि ठंड बहुत है, ऊपर छत पे फंक्शन कर रहे हैं तो कोल वोल जलेगा प्रॉपर। तो अभी एक मिनट, ये देखिए सामने घर हमारा सजा हुआ। तो बस अभी जाते हैं पार्लर रेडी वेडी होकर के आप सबसे मिलेंगे। टिल देन स्टे ट्यून्ड बाय। हे गाइस तो यार ये मेरा गेटअप फॉर बर्थडे एंड आई एम ऑल रेडी, और ये मेरी दोस्त तो पता है चार बोतल पी के बैठी है, उसके बाद भी देखिए कितनी सही लग रही है, देखिए ज़रा ओफ कहीं। तो गाइस ये रहा फाइनल लुक है, आप देख कर बताइए। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने बूट्स कैरी किए, ये वुलन वाली लेगिंग्स, और ये ड्रेस मैंने मिंत्रा से ऑर्डर करी थी। इनकेस किसी को इसका लिंक चाहिए होगा डू लेट मी नो। और अंदर से मैंने एक हाई नेक कैरी किया क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ये मेरा प्रॉपर लुक है, और अभी चलते हैं नीचे क्योंकि सब लोग मतलब बुला रहे हैं बार बार तो काफ़ी लेट हो गया ना। तो लेट्स गो गाइस, यहाँ पूरी फैमिली अभी गैदर हुई है, और ये फैमिली के सबसे बुजुर्ग आदमी डुगू जी, ये उसके बाद दीदी ओनली 42 years, दीदी ओनली 42 years ना, एंड प्रियंका ओनली 50 years, नितिन 28 years, 62 years, 16 and just 2 months there. यार ठंडा इतना है कि इसके बिना तो कुछ होना ही नहीं था। अभी ठीक है, अभी बाद में ऊपर लेकर जाएंगे।
हो जाएगा ना। थैंक यू। प्रियंका पकड़ लो, मैं लो अभी यही पे रख दो, अभी भी नीचे, अभी नीचे ना यही पे रख दो। हाँ बाद में, हाँ बाद में रख दो। ये मेरा दूसरा गिफ्ट आ गया, मेरे से गिफ्ट ही गिफ्ट आ जा रहे हैं। अच्छी क्या बात है प्रियंका, ऐसा क्या किया है मैंने? क्योंकि आज तुम पैदा हुई। खुश रहो, खूब बढ़िया जाओ। ये मेरी बहन आ गई सुमन, ये मेरी बाकी की सारी बहनें। हेलो, कितनी देर से आ रहे हो तुम लोग। खुश रहो, खुश रहो। ये मेरी फ्रेंड है प्रियंका। अब वो बूजो है, अरे बूजो मिलने आ गए। बूजो तुम क्यों आए, मैंने तो तुम्हें मना किया था। ये मेरे फ्रेंड्स हैं सब। हाय हाय ऋतु, हाय। लग जाएगा बेटा, लग जाएगा। लगी तो नहीं, लगी तो मैं वो कैमरा मैन हूँ जो हर शादी में खाते हुए लोगों को कैप्चर कर देता है। गाइस यहाँ चल रहा है नाश्ता। ये आ गए अपने गोलगप्पे। ओ पिरामिड। अच्छा हम लगा डिलीवरी करें सुनो, तो एक एक कर। और जीत क्या खा रहे हो भाई, टेस्ट करके बताना कैसा है, ठीक है? ये हमारे सब लोग आ गए फाइनली। हेलो कृषु, खुश रहो खुश रहो। चलो बेटा चलो, एकदम सही टाइम पर आया। चलो देव, ये आ गए हमारे मोस्ट हैंडसम जीजा जी। कितनी देर से आया, हम आपके रुकेंगे, जल्दी आए तो केक काटेंगे। चला खुश रहो, आइए। तुमने तो मैसेज का जवाब नहीं दिया। मैंने जीजा जी फोन ही नहीं देखा वाला सुबह। चौथी चौमिन की प्लेट खाकर कैसा लग रहा है? बस मुझे थोड़ा हल्का हल्का फील हो रहा है, थोड़ी एक दो प्लेटें और खा लू। पानी डालना है ये वाला। दस के कितने हैं? दस के पाँच। सस्ते बतासे वाले, खा के तुरंत निकल जाना, इसीलिए ज्यादा नहीं खाने। काउंटर वाले दंतुरित बतासे वाले, सारे भाई बहन मिलके मौज काट रहे हैं। और क्या चाहिए? दंतुरित बतासे वाले। जो कस्टम आए उसको वहां डाल दो, उसको डाल दे, डाल दो। चलो सब लोग, चलो सब लोग हाथ लगाओ, हाथ लगाओ। पीहू इधर आओ, मेरे केक खा। ओहो पीहू तुम आगे जा रही है बिल्कुल। चलो बाबू तुम भी खिलाओ। वेरी गुड, इसे ले खा लो। चलो हैप्पी बर्थडे मम्मी। तो गाइस ये है 90s वाली प्लेट। 90s में होता था ना केक बिस्किट नमकीन, दो तरीके के बिस्किट एक तरीके की नमकीन। तो ये है मेरा आइडिया, कितना जबरदस्त है ना। और इन सबको भी बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा ना तुम लोग को? बहुत ज्यादा है ना। चिन्नी तो बहुत ज्यादा खुशी की याद आई, बचपन की याद आई ना, आई ना बहुत। गाइस ये बॉटल फ्लिप चैलेंज चल रहा है जिसमें से ओ वाह जॉनसन का हो गया। ये क्या, ये क्या, जॉनसन कर लेगा ये क्या? अभी किया था इसने, अब रह गया इसका। क्या मेरी है देव के बाद? ओ अपने बाद इसको दे देना देव को। ओ शिट इसके बाद दे देना देव को। देव ले लो, चलो करके दिखाओ। मेरी है, कोई बात नहीं। हाँ देव के बाद आप। तो गाइस ये मेरा खाना, ये गरम गरम कोयले, ये गर्मा गरम प्रियंका हॉट हॉट। ए प्रियंका आज हम लोग को वो मिला था तुम्हारा दोस्त, उसने अपने ठेले पे लिख रखा था आई वी सर्व मोमोज हॉटर देन योर एग्स। नहीं लिखा था, नहीं लिखा।
उधर बन रहे गाइस मेरे भटूरे। तो यार सारे गेस्ट जा चुके हैं, सारे भाई बहन जा चुके हैं और अब हम खा रहे हैं लास्ट में खाना। इन्होंने खा लिया था वेडिंग में, एज यूजुअल इनको बहुत जोर की भूख लग जाती है। तो और प्रियंका ने भी खा लिया क्योंकि ये था कि ये चली जाएगी, बट हम लोग ने बड़ी चालाकी से प्लान बनाया और इससे कहा तुम जा। थैंक यू। ये आ गया मेरा गर्मा गर्म भटूरा। गाइस देख रहे कितना ज़बरदस्त की प्लेट है ना, ये मेरी फेवरेट मतलब फेवरेट फूड है ना। चलो भटूरे चलिए खाते हैं। गाइस तो पार्टी इज ओवर, मम्मी पूरी तरह से थक चुकी है। मम्मी थक गई? थक गई मम्मी, सब ट्रैवल करके आई हैं तो पूरा थक गई हैं। और हम लोग भी इतनी देर से यहाँ पर थे, अभी अभी मैंने गुलाब जामुन खाया, अभी आपको दिखाते हैं बूजो क्या कर रहा है। देखिए जरा, ये देखिए जरा रसगुल्ले वाली चम्मच को लेकर देगा नहीं, और प्रियंका के सामने रैंप वॉक कर रहा है। इधर लाओ बूजो, बूजो बूजो, इधर दो इधर दो इधर दो बेटा बेटा तब बदतमीज है ना। मुझे तुमने खाना नहीं खाया अपना, बूजो ले, कम 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 बूजी, कम 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 बूजी, कम कम कम, इतना बदतमीज है। देख रही चम्मच लेकर पूरे घर में कैसे घूम रहा है। क्यों बेटा? तो ये था अपना आज का दिन, ये था मेरा बर्थडे, ऑल थैंक्स टू माय हस्बैंड। उनके वो नहीं होते तो मैं इतना कुछ मेरे से अरेंज नहीं होना था, इतनी अच्छी पार्टी, इतना अच्छा डेकोरेशन और मतलब खाना पीना, छोटी छोटी चीज़ें भी सब कुछ, ऑल थैंक्स टू माय हस्बैंड। तो ये जो एक पूरी पार्टी थी ना, ये एक बहुत ही बड़ा सा गिफ्ट था उनकी तरफ से। थैंक यू राजीव, आई लव यू, थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों अभी इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं, इसको आप देखिएगा बताइएगा आपको कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब टू माय चैनल, भी अच्छा बुरा लगे तो ज़रूर से बताइएगा। ठीक है, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।